अस्सलाम वालेकुम, मैं राना जवाद अहमद फिर से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं हमारे पास लैपटॉप है इस टाइम HP का प्रोबुक 640G4। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे और इसके ईच एंड एवरीथिंग जो है ना लैपटॉप क्या किस तरीके से चेक करते हैं, अगर आप लैपटॉप न्यू लेने जाते हैं यूज़ में लेने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मेरे दोस्तों ना भूला करें। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। आए सबसे पहले तो हम इसके आउटलुक देख लेते हैं। और इस टाइम हमारे पास जो ये जो वेरिएंट है वो टच में है, टच स्क्रीन में है, अल्ट्रा स्लिम बुक इसको कहा जाता है। और इस तरफ अगर पोर्ट्स की बात की जाए तो हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं सी पोर्ट, उसके अलावा यूएसबी फास्ट एसएस सुपर फास्ट स्पीड में हमें दो यूएसबी पोर्ट्स मिल जाती हैं और साथ ही एचडीएमआई मिल जाती है और साथ अर्थरनेट केबल और वीजीए भी दी गई है। उसके अलावा इन्होंने स्पेशल मेमोरी कार्ड माइक्रो मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन दिया है और एक होता है डाटा ट्रांसफ़र HP सेम ट्रांसफ़र मतलब सेम लैपटॉप से सेम लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र फास्ट स्पीड में किया जाता है, तो ये इसकी वायर मिलती है तो आप उसको कनेक्ट करके विद इन अ मिनट में आप इसका डाटा शेयर कर सकते हैं एक लैपटॉप से दूसरी जगह। चलें इसको ऑन कर लेते हैं। तो इस टाइम ये ऑन ही था, मैं स्टैंड बाय पे था। चलें जी, और सबसे पहले हम लैपटॉप को चेक करना है तो किस तरीके से चेक करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्च में जाके कमांड लिख देनी है DXDIAG। ये वो कमांड है जिससे आपको मॉडल का पता चल जाता है, आपको प्रोसेसर का पता चल जाता है, आपको CPUs का पता लग जाता है कि इसमें कितने CPUs हैं, कितने GHz का प्रोसेसर है, कितनी रैम लगी हुई है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग बताएगा आज की डेट से लेके सब कुछ। चलिए इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं करंट टाइम बता रहा है, कंप्यूटर नेम बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है विंडो 10 प्रो है, वर्जन बता रहा है उसका कौन सा है, लैंग्वेज इंग्लिश है और सिस्टम मैन्युफैक्चरर देखा जाता है HP है, HP ProBook 640G4 इसका मॉडल है और BIOS बताई गई है कि कौन सी है, प्रोसेसर की बात की जाए तो इंटेल कोर i5 8th जनरेशन, मतलब इसमें 8350U का प्रोसेसर है अपग्रेडेड होता है, जो कि 8th जनरेशन में भी अपग्रेड 8000 सीरीज से चलता है 8000 सीरीज से, तो उसको अपग्रेड कर करके मतलब वो अब इस समय 8350U में CPU है इसका, 1.7 GHz है और 8 CPUs के साथ मिलता है और 8GB इसमें रैम है। और हम नेक्स्ट आगे कर लेते हैं ये इंटर। डिस्प्ले की बात करें तो हमें डिस्प्ले इंटेल RUHD ग्राफिक्स 620 मिल जाते हैं और वो कितने GB का है अप्रॉक्स टोटल मेमोरी आप चेक कर सकते हैं, एक 4 GB का है और डिस्प्ले वी रैम जो इसमें डेडिकेटेड मेमोरी दी गई है वो है 128 MB। अगर लैपटॉप में ये डिस्प्ले में कोई भी फॉल्ट हो तो मेरे भाई यहाँ पे नो प्रॉब्लम फाउंड है, यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो वो जो कंप्यूटर है जो एक इसका अपना CPU होता है वो खुद बताता है कि यार मेरे अंदर कोई फॉल्ट है कि नहीं है, तो होगा तो वो यार यहाँ पे नोट दे देगा भाई मुझे मसला है या मुझे मेरे मतलब या तो इसमें कोई काम हुआ हुआ है तो भी नोट दे देगा, अगर प्रोसेसर चेंज हुआ हुआ है तो भी नोट दे देगा, मदरबोर्ड चेंज है तो भी नोट दे देगा। तो इसलिए ये यहाँ से आप नॉर्मल लैपटॉप ईजिली चेक कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। साउंड में आ जाएं अगर ये नेम और हार्डवेयर ID दे दे, दो चीज़ें दे दे, बाकी सब NA अगर ये चीज़ें हैं तो समझ लें कि इसका साउंड सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है, कोई चीज़ चेंज नहीं की गई। अगर इसका स्पीकर चेंज कर दिया जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर आईडी वहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, टाइप बता दिया जाएगा कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो प्रॉब्लम है तो ठीक है। इनपुट में आ जाएंगे, इनपुट में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसके जैसे ये बटन हो गए, ये वाला बटन हो गया या इसका ये फिंगरप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट के अलावा जैसे ये सी पोर्ट होगी अलग, सी पोर्ट के अलावा चार्जिंग पोर्ट हो गई, जैसे इसमें डिफरेंट पोर्ट दी हुई है ना, बाकी तो नॉर्मल होती हैं हर लैपटॉप में, माइक्रो कार्ड SD हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं ठीक है जी। और ये वायरलेस बटन यही होता है जो आपका ये ऑन ऑफ का बटन होता है। अगर इनमें कोई मसला है कुछ भी है तो भाई यहाँ पे लिखा आ जाएगा नोट में कभी कोई मसला है, ठीक हो गया जी। ये हो गया जी हमारा, एक टाइम में हमने लैपटॉप से पूछ लिया तो ठीक है कि नहीं ठीक, पता लग गया जी यहाँ इसे। चले जी दूसरा, आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे करना है लिखना है आपने CMD,
अब हम चेक करने लगे इसकी बैटरी, बैटरी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बैटरी ऐसी चीज़ है जब तक आप चलाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा भाई कितनी टाइमिंग देती है। आप बार बार उसका कर्सल को लेके जाएंगे बैटरी पे, चेक करेंगे लिखा होगा 3 घंटे, थोड़ी देर बाद फिर चेक करेंगे 1 घंटा, ये तो यार बैटरी ख़राब है। तो भाई उसका आसान तरीका है, चेक करो पता लग जाएगा। आपने लिखना है यहाँ पर पावर CFG/बैटरी, स्पेलिंग यहाँ पर ठीक लिखना है बस, बैटरी रिपोर्ट, इंटर करेंगे तो आपको ये पाथ दे देगा। तो इस आपने पाथ को कॉपी कर लेना है, यहीं से सी से पकड़ना है इसको, यहाँ से ये, यहाँ से आपने कंट्रोल सी दबा के कॉपी करना है, माय पीसी दिस पीसी में आ जाना है, यहाँ पे आके आपने जी इसको इधर आके आपने पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी और इंटर कर देना, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एज में या क्रोम में जिधर भी चलाना चाहते हैं ना वहाँ पर आप इसको चला दें। इस टाइम हम क्रोम में चला लेते हैं इसको। अब देखें जी ये आ गया जी बैटरी इंस्टॉल्ड, बैटरी रिपोर्ट हमें दे रहा है, बैटरी रिपोर्ट में मॉडल भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। नीचे आ जाएगा इंस्टॉल बैटरी में आ जाना है, इंस्टॉल बैटरी में लिखा है नेम कौन सा है जी, HP बैटरी 1 है प्राइमरी है, मैन्युफैक्चरर बता रहा है HP, ठीक है जी HP की मेन ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुई, चेंज होगी तो प्राइमरी 1 ये वो नाम वगैरह चीज़ें चेंज हो जाती होती हैं। उसके बाद आपने देखना है डिज़ाइन कैपेसिटी है कितनी, 4280/30 WmWh, ठीक है जी। अब फुल चार्ज कैपेसिटी ये होती है इसकी हेल्थ, अगर ये वाली हेल्थ कम है तो समझे बैटरी की हेल्थ कमज़ोर है, वीक है, अभी इस टाइम बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। साइकिल काउंट्स होते हैं जब बैटरी रिपेयर्ड हुई हो, रिपेयर्ड होगी तो बैटरी के साइकिल काउंट्स लिखे आ जाते हैं जी, इतनी यूज़ की गई है तो ये सेल चेंज हुआ है तो ये वो अलर्म प्रॉब्लम जो भी कुछ है ये आ जाएगा। पूरी बैटरी की आपको ये हिस्ट्री देता है, कितनी कितनी देर ऑन हुआ है, कब से लैपटॉप ऑन हुआ है, कितने कितने मिनट चला है, तो यहाँ से आप आके चेक नॉर्मली कर सकते हैं। तो लास्ट चेकअप हम चेक कर लेते हैं कितनी देर चला था, 5 घंटे 41 मिनट इसने बैटरी टाइमिंग दी है 6/5/2021 को, तो बैटरी टाइमिंग का हिसाब लग सकता है कि 6 घंटे इसके नॉर्मली बैटरी टाइमिंग इसकी हमें इसकी मिल जाती है। दूसरा अब हम चेक करने वाले हैं टच, टच स्क्रीन में क्या है जी, टच स्क्रीन थोड़ी सी नाजुक होती है तो हम ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते कि आप टच स्क्रीन में लें। तो अब आपने टच को चेक कैसे करना है, टच का चेक करने का एक ही तरीका होता है, एक्स में इसको चेक करते होते हैं। आपने लाइक ये आइकॉन उठाया, आपने इसको ले जाना है क्रॉस एंड तक और यहाँ से क्रॉस लेके जाना है इस एंड तक, ठीक है। अब मैं हूँ, मेरे ना इस एक्स पे दिल की तसल्ली नहीं होती, मैं फिर क्या करता होता, मैं यूँ उठाता हूँ सारा फेर के देखता हूँ भाई कहीं टच मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है कि यार कोई मसला तो नहीं है, यहाँ से ये चलो जी ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने सर्च में लिखना है CAM कैमरा, इंटर कर देना है, ये आ गया। जैसे आपने इंटर किया है तो ये आपके पास कैमरा आ गया, कैमरे की लाइट ऑन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसका कैमरा ठीक है कि नहीं ठीक, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे चेक हो जाती हैं, तो हमारा आप कैमरा भी चेक हो गया। उसके बाद एंड में आ जाता है साउंड, क्योंकि हमें कंप्यूटर ने बता दिया, कंप्यूटर ने हमें बता दिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपनी तसल्ली के लिए चेक करेंगे। हमने जी ये एक वीडियो पढ़ गया, चला लेते हैं इसको, आगे कर लिया, साउंड खोल लेते हैं, एडजस्ट कर रहा था। चलें काफी ये इसका साउंड आ गया, कॉपीराइट की वजह से ना मैं ज्यादा वीडियो नहीं चला सकता, ना गूगल ना कॉपीराइट कर देता, ऑप्शन दे देता मुझे, ठीक है जी। ये इसकी वॉल्यूम हो गया एक, वैसे ये साउंड लग रहा है शायद, चेक कर लेते हैं। तो साउंड बहुत अच्छा है, ये स्पीकर जहाँ इसके ठीक हो गया जी, साउंड चेक हो गया, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है, लास्ट में हमारे पास बच गया जी कीज़, मतलब कंप्यूटर ने बताया हुआ है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारी दिल की तसल्ली नहीं है भाई। नोटपैड खोल लो, सारी कीज़ 1 से लेके सारी चेक करो, ठीक है जी। आपने सारी कीज़ अपनी दिल की तसल्ली के लिए चेक कर ली है, ठीक है जी। लास्ट में हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। दूसरा अब आपने हार्ड डिस्क देखनी है कि कितनी GB की है, आपने इसके ना मैनेज में चले जाना है और पता लग जाएगा कौन कौन सी लगी हुई हैं, कौन सी मतलब हार्ड का कितने GB की लगी हुई है, डिस्क मैनेजमेंट में आ जाना है। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ जी डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 500 GB की लगी हुई है, ये
465 GB, नीचे 119 मतलब 128 GB की एक SSD लगी हुई है सॉलिड स्टेट। अब लाइक इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये इसकी सी ड्राइव में इस टाइम इसकी विंडो हेल्दी भी है, मतलब इसकी हेल्थ भी ठीक है। हेल्दी ना लिखा हो तो मतलब इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ऊपर भी लिखा हुआ है इसकी भी हेल्थ ठीक है, इसकी भी हेल्थ ठीक है, यहाँ से हेल्थ भी मतलब हम नॉर्मली चेक कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है डिवाइस मैनेजर। अब डिवाइस मैनेजर में हमने इस चीज़ को चेक करना है कि ये इसका ठीक है फिंगरप्रिंट के नहीं ठीक, ये वाला आपने आना है कि ड्राइवर्स में देख लेना है कि भाई बायोमेट्रिक डिवाइस है कि नहीं है। ये थी बायोमेट्रिक डिवाइस, ये देख लिया, मींस के बायोमेट्रिक का अगर इसका सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है, ड्राइवर हुआ हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये भी इसमें कोई मसला नहीं है। तो इस टाइम हमने अपना लैपटॉप मुकम्मल चेक कर लिया है, उसके बाद हम अपनी कंडीशन देखेंगे, एक USB दुकान वाले से लेके सारी USB पोर्ट चेक कर लेनी है, आपको नॉर्मली पता लग जाएगा ठीक है कि नहीं ठीक। उसके बाद मेरे भाई इसको करना है बंद आपने, ठीक है ना, अब करनी है आपने पैसों की बात। तो इस टाइम HP 640 G4 की प्राइस मार्केट में नॉर्मली चल रही है 85,000। अगर आप विदाउट टच लेंगे तो आपको 75,000 की तक की रेंज में आपको ये नॉर्मली मिल जाता है। टच है, SSD लगी हुई है, 8 GB रैम है DDR4, तो इसलिए ज़रा थोड़े से प्राइस में इसके ना इजाफा हो जाता है। तो इस टाइम मार्केट में आपको 80,000 से लेकर 85,000 तक की रेंज में ये लैपटॉप आपको नॉर्मली मिल जाएगा बहुत आसानी से, अच्छी 10x10 कंडीशन में ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप यहाँ के इसको बाय करना चाहते हैं तो ये मैं थोड़ा सा मॉडल स्पेसिफिक यहाँ जो इसकी स्पेसिफिकेशन है ज़रा शो करवा दूँ, ठीक है जी। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दे दूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इसको आप बाय करना चाहें। तो बाकी था ये आज का हमारा रिव्यू, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे बिला झिझक आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा, नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है उस पर बना दूं। तो तब तक के लिए मेरे भाई अल्लाह हाफिज़, और मेरी वही पहली बार लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूला करें, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे आप सब दोस्त ही हुए, बहन भाई हुए सब, तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी चलते हैं हम अगली वीडियो की तरफ, मिलेंगे आपसे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।